तो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले स्नैपड्रैगन फाइनलिस्ट टीम मेहम के बारे में। तो मैं आज आप लोगों को इनका पूरा स्ट्रेटजीज बताऊंगा, इनका रोटेशंस बताऊंगा, इनसे आप क्या सीख सकते हैं वो सब के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इनके हर एक प्लेयर के बारे में जान लेते हैं और उनका रोल भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस टीम के IGL निंजा के बारे में। ये अपनी टीम के लिए स्नाइपिंग का काम करते हैं। इनका दूसरा मेंबर है मार्वल, ये अपनी टीम के लिए रसर का काम करते हैं। इनका तीसरा मेंबर है वेल्स, जो अपने टीम के लिए फ्लैंकर और असॉल्टर का काम करते हैं। और यकीन मारिए, इनसे ज़्यादा अच्छा आज तक मैंने कोई असॉल्टर नहीं देखा। इनके चौथे बंदे का नाम है जेलबर्ड, जो अपने टीम के लिए असॉल्टर का काम करते हैं, पर ये आजकल कम ही दिखते हैं मैचेस। इस टीम के पाँचवें बंदे का नाम है फायरफ्रॉस्ट, जो अपने टीम के लिए स्नाइपर और फ्लैंकर का काम करते हैं एंड कभी कभी असॉल्टर का भी काम कर लेते हैं। इनके छठे बंदे का नाम है दिव्यांश, जो अपनी टीम के सपोर्टर है एंड इनको मेरे तरफ से ओलिविया का टैग मिला है क्योंकि अपने टीममेट को रिवाइव करते हुए नजर आते हैं। अभी जो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट का लीग स्टेज का वीक 4 का मैच 3 है। तो इसमें टीम में हमने 16 किल्स भुया निकाला था और यकीन मानिए, इतना प्रो लॉबी में 16 किल्स निकालना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और ये मतलब लीग स्टेज में सबसे हाईएस्ट किल्स भी निकाला गया था। तो इसका पूरा गेम प्ले आप लोगों को का गेम प्ले का लाइव स्ट्रीमिंग मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो टीम मेहम का मेनली ड्रॉप लोकेशन मील होता है, नहीं तो सेंटोसा होता है। तो जैसे कि सबको पता है कि टोटल गेमिंग का ड्रॉप लोकेशन भी मील होता है, तो इन्होंने अर्ली फाइट लेने के लिए ओमिट किया और ये सेंटोसा में उतरे हैं। और ये पूरा जो भी मैच में कोई भी किसी का भी ड्रॉप लोकेशन सेंटोसा नहीं है, तो वहाँ आराम से वो लोग लूट उट करके मज़ा से आ सकते हैं। तो इन्होंने बहुत दिमाग लगा के अर्ली फाइट नहीं लेते हुए पूरा लूट उट करने के बाद ही मैंने लड़ाई करने का सोचा। जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं हम लोगों का टीम में हम सेंटोसा का एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक आ गया है और अभी तक वो लोग आराम से मजा में है। कोई दंगा वंगा कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं किया, क्योंकि उन लोग आराम से लूट रहे हैं क्योंकि सेंटोसा में कोई भी स्क्वाड नहीं है, वो उनको भी पता है। और नहीं भी पता उन्हें तो भी वो लोग आराम से घूम के जा सकते हैं क्योंकि सेंटोसा के आसपास में इतने जिप लाइन है कि वहाँ से कोई भी आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो यहाँ लड़ाई स्टार्ट हो गया हम लोग का टीम में हम का जो कोचिनॉक में आ गई है घूम के एकदम सेंटोसा से। तो वहाँ से अभी यहाँ हेक्स स्पोर्ट्स के साथ झगड़ा हुआ और हेक्स स्पोर्ट्स मतलब इतना ऑसम टीम है, हेक्स स्पोर्ट्स को इन्होंने जो एलिमिनेट किया हम लोग खुद देखे, चार चार बंदे एकदम मुंह पे चढ़ रहे हैं एक बंदे के। और ये चीज़ बहुत मैंने नेक्स्ट लेवल देखा, मैंने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं। जैसे इन्होंने एक बंदा को देखा, एक को मारा, अगर वो बाई चांस नॉक भी हो जाता तो पीछे से और दो बंदे आ गए। इसमें कोई नहीं देख रहा है कि किसका रोल क्या है, सब एक साथ बंदे के ऊपर टूट पड़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है निंजा स्नाइपर है, निंजा भी एकदम आगे आगे जा रहे हैं क्योंकि जानते हैं अगर अभी टाइम पास किए हम लोग तो अभी हम लोग टपक सकते हैं। तो आगे देख सकते हैं जैसे दो बंदे और ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, लगता है इनको पता नहीं था। जैसे देख सकते हैं दो बंदा एक बंदे को मारने के लिए आराम से जा रहे हैं और ऊपर से सीढ़ी भी 2-3 शॉट मार के उनको और बता दे रहे हैं कि वो भी यहाँ बैठे हैं। और यहाँ टीम में हमने उसके ऊपर बहुत गंदा वाला स्प्रे मार दिया। तो यहाँ से एक बंदा जा रहा है उस सीढ़ी को मारने और यहाँ से तीन बंदे आ गए ऊपर, क्योंकि इतना प्रो लॉबी इनको भी पता है कि एक एक बंदा दो दो बंदे को मार सकता है, तो ये कोई रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए तीन बंदे चले गए एक साथ। और अर्ली फाइट लेने का एक लॉस है कि अर्ली फाइट में अगर आप जीत भी जाओगे तो आपका एक या दो बंदा चला ही जाता है, उसके कारण बाद में आपका बूया निकालने में बहुत मुश्किल होता है। तो टीम में हमने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और यहाँ देख सकते हैं टीम में हम से ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट टीम में हम के तरफ से पहले असॉल्टिंग का काम करते थे पर आजकल वो कम देखते हैं क्योंकि शायद उनका नेटवर्क इशू है कि क्या है, और वो बहुत कम ही खेलते हैं आजकल, इसलिए मैंने उनके बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताया नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि इतना अच्छा जोन बना है, मतलब जोन प्रिडिक्शन भी इतना सही हुआ है, अगर वो लोग चाहते तो ऊपर जाके भी मार सकते थे पर उन्होंने ऊपर गया नहीं क्योंकि वो लोग ने दिमाग लगाया कि जोन नीचे है, आराम से हम लोग आराम से जाएंगे। भाई इनका नेडिंग और लॉन्चिंग देख रहे हो, भाई क्या खतरनाक लॉन्चर मार रहा है और नेडिंग कर रहा है वेल्स। यहाँ आराम से हम लोगों का VSS नहीं ऑक चलाते हुए। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा 2-3 स्क्वाड है ऊपर, तो अभी जोन माने ऊपर से नीचे आने में बहुत दिक्कत हो सकता है पर नीचे से ऊपर आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता अगर आपके पास ज़्यादा का सवाल है। तो यहाँ आराम से देख सकते हैं, पर 2 स्क्वाड ही है। यहाँ लॉन्चर मारा जा रहा है, इनके ऊपर नेट मारा जा रहा है, नेट से एक स्क्वाड को डाउन करते हुए। और इनका नेट देखिए भाई, एक बार में इतना अच्छा नेट मार रहे हैं, एक एक देखिए, एक नेट गया और तीन बंदे ऑमिट। इसी के साथ इन्होंने 16 किल्स पूरा कर लिया है। मतलब इनका रोटेशन जोन प्रिडिक्शन इतना बढ़िया है ना, कुछ बोल ही नहीं सकते। मतलब 16 किल्स पूरा, 28 स्कोर एक मैच में, भाई इतना बड़ा लेवल का मतलब क्या ही बोले। तो इनसे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले इनसे आप लोग जोन प्रिडिक्शन सीख सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग जोन के लिए एकदम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं पर इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। ये लोग जानते हैं जोन चाहे जहीं भी बने, ऊपर जाना बहुत आसान है पर नीचे जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन्होंने
एकदम सही दिमाग लगा के नीचे रखकर, शायद उनके पास वॉल्स भी बहुत सारे थे इसलिए वो आराम से ऊपर जा पाए। और इनसे एक और चीज़ हम लोग सीख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, मतलब एक ही बंदे को मारने के लिए ये दो दो बंदे को भेज रहे हैं जिससे कोई भी बंदा मैंने डेड ना हो, मतलब इतना दिमाग लगाया गया है। तो आप लोग ये सब इनका मैचेस देखिए, इनका मतलब कोई भी स्पोर्ट्स का देखिए, उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिले। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने यही क्लिप क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा क्लिक किए इसलिए या क्या, तो ये सब बात नहीं है, इसमें ज़्यादा इनके ऊपर फोकस किया गया था इसलिए मैंने क्लिप यूज़ किया, क्योंकि ये लोगों ने क्रिटिकल एक्स में भी बहुत मचाया है। पर यकीन मारिए उनका ने पूरा ध्यान मारा, एकदम लास्ट में दिखते हैं जब दो या तीन स्क्वाड बची रहती है, उससे पहले इनको एक बार एक्सपेक्टेड भी नहीं किया जाता है, ऐसा मतलब क्या ही बोले, नेपोटिज्म का हद होता है, तो वही हाल होकर रखा हुआ है। तो यहाँ सब स्पोर्ट्स के प्लेयर माने बड़े बड़े यूट्यूबर लोगों को एक्सपेक्टेड करते हैं इसलिए दिक्कत हो जाता है, वरना मैं ये मैच के बदले और भी मैच लेता जो लेटेस्ट का मैच है, पर वो सब मैच पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था इसलिए मैंने ये मैच चूज़ किया। तो अगर आप लोगों को मेरा एनालाइजेशन अच्छा लगा हो, मतलब जो भी आप समझ गए होंगे, और इनके स्ट्रेटेजीज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आया हो, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई और ऐसे स्पोर्ट्स के कोई टीम के बारे में आप लोगों को ये सब जानना हो स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका ही अगला वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक रहना, गुड बाय।